इस वीडियो में करेंगे कि डीमेरिट्स या लिमिटेशन क्या है यूजिंग ऑफ जेड स्कोर। पिछले वीडियो में मेरिट्स यूजेज या एप्लीकेशन की थी हमने, है ना। तो फर्स्ट है इसकी लिमिटेशन के नॉर्मेलिटी अजम्पशन है, मतलब कि अगर डाटा अब नॉर्मल है जा, ये पिछले में भी डिस्कस हुआ है, एक्सप्लेन आपने क्या करना है, अगर डाटा नॉर्मल है तो जेड स्कोर अप्लाई होगा, अगर डाटा नॉट नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल स्क्यूड है, है ना, ये हो गया, यहाँ पॉजिटिव लिखना था, पॉजिटिवली स्क्यूड है तो यहाँ जेड स्कोर अप्लाई नहीं हो सकता। अगर ऐसे ही नेगेटिव डेविएटेड है, स्क्यूड है, ये नेगेटिव वाली हो गई तो भी अप्लाई नहीं हो सकता, ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मलिटी, सेंसिटिविटी टू एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू क्या कर कहा था हमने, आउटलायर्स व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल। दो पॉइंट अलग भी बन सकते हैं कि ये सैंपल साइज जब स्मॉल है तो जेड स्कोर अप्लाई नहीं हो सकता, फिर टी जड़ा स्कोर है, जो स्कोर है वो अप्लाई होगा, एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा सेंसिटिविटी टू एक्सट्रीम वैल्यू, जब आउटलायर जो हैं वो ज्यादा हैं या आउटलायर एग्जिस्ट कर रहे हैं। आउटलायर क्या है कि यहां पर मान लीजिए एक एक जना नहीं आ रहा, जहां पर एक्सट्रीम में यहां पांच जने आ गए, पांच जने है ना यहां पर फैले हुए हैं, वो डिस्टेंस पर है, आउटलायर 145 के बाद 160 जो है स्कोर आ गया किसी का, जो 155 आया, जो ये बच्चे हैं ये आउटलायर वाले हैं, तो ये जेड स्कोर की जो कैलकुलेशन है उसको प्रभावित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मीन स्कोर से डिफरेंस को, डेविएशन को देखते हैं, दैट इज वाई आउटलायर जब हैं तो जेड स्कोर की एप्लीकेशन लिमिटेड हो जाती है। लॉस ऑफ ओरिजिनल यूनिट, फॉर एग्जांपल हाइट है, हाइट को हमने मैथ्स की अचीवमेंट से कंपेयर कर लिया, तो वो हाइट का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो क्या है, सेंटीमीटर है, और मैथ्स का जो है डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, है ना। तो ऐसे ओरिजिनल यूनिट है मेजरमेंट का, उसकी लॉस हो जाता है कंपैरिजन के लिए जब कॉमन स्केल पर लाते हैं, तो ये उसी की पॉजिटिव है, उसी का नेगेटिव है। डिपेंडेंस ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन तो ये ठीक है कि मीन भी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी ज़रूरत है, इसके बिना जेड स्कोर कैलकुलेट नहीं हो सकता, और ये एक्यूरेट चाहिए और अप्रोप्रिएट चाहिए, मतलब एरर लेस चाहिए। लैक ऑफ रबस्टनेस, रबस्ट की क्या है, क्वालिटी ऑफ बीइंग स्ट्रांग, मतलब ये स्ट्रांग होने की, एक्यूरेट होने की संभावना इसमें कम है। जेड स्कोर आर नॉट अ रबस्ट डेविएशन फ्रॉम नॉर्मली इन द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर, जो पीछे बात करके हैं वही पॉइंट है, वहाँ सैंपल साइज की बात की है, यहाँ पर आउटलायर की, जितने आउटलायर ज़्यादा हैं उतनी इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, है ना। अगर दूसरी बात क्या कहनी है, अगर डाटा बेसिक अजम्पशन वायलेट करता है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो भी ये स्ट्रांग आपको जो है कैलकुलेशन, एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं देगा। नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड स्कोप मीन के सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेटर जो है अप्लाई हो सकता है, ज़्यादा पॉपुलेशन या ज़्यादा वेरिएबल पर ये एप्लीकेबिलिटी इसकी कम हो जाती है ना, या एक्यूरेसी कम हो जाती है, इतनी बात बतानी है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी, एक्चुअल इंफॉर्मेशन किसी भी लर्नर के बारे में जानने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट को जाना, कॉन्टेक्स्ट मीन के उसकी रियल सिचुएशन, रियल जो सिचुएशन है बच्चे की क्या है, तो वो सिचुएशन को जाने बिना, बाकी फैक्टर्स को जाने बिना हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा बहुत वीक है या बहुत होशियार है। तो कॉन्टेक्स्ट जाने बिना अकेला जेड स्कोर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर कैलकुलेशन में ईशान -3 ले रहा है स्कोर, पर ये कॉन्टेक्स्ट किसी को तो पता ही नहीं है कि वो डिसलेक्सिया से सफ़र कर रहा है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसको, उसके जो डिसऑर्डर है उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में देख के इंटरप्रिटेशन उसकी होगी। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बहुत वीक है, हो सकता है कि उसको घर जाके काम करना पड़ता हो, हो सकता है कि उसकी हेल्थ ठीक ना रहती हो, हो सकता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसकी केयर नहीं करते, होमवर्क नहीं करवाते, तो वो पीछे रह रहा है,
तो उस कॉन्टेक्स्ट को जानना जरूरी है कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए। अकेला जेड स्कोर जो है कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें दो बातें सिर्फ आपने करनी है, एक ये लीनियर स्ट्रेट लाइन जो होती हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है लीनियर जो है नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसमें कन्वर्ट हो जाए, इससे ज्यादा इसमें बात नहीं करनी। लैक ऑफ आउटलायर प्रिसीजन, देखिए जो थ्रेशहोल्ड है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन आपको शायद डिफिकल्ट लग रहा होगा कि लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, जो आउटलायर हैं आइडेंटिफाई कैसे होने हैं, कोई क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कहा था, पहले बात की थी कि 145 के बाद 160 स्कोर किसी बच्चे का आया है, किसी का 150 भी आया है, 55 भी आया है ना, तो हम कैसे करेंगे 150 भी मान लीजिए आया, हम किस क्राइटेरिया के बेस पर ये कहेंगे, थ्रेशहोल्ड क्या होगा, लिमिट क्या होगी कि इस स्कोर के बाद बाकी सारे बच्चे जो हैं, किस स्कोर के बाद बाकी सारे बच्चे जो हैं आउटलायर कंसिडर किए जाएंगे, वो लिमिट या थ्रेशहोल्ड या बेस या क्राइटीरिया जेड स्कोर की ये थ्योरी नहीं देती। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड एप्लीकेशन इन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात हो चुकी है कि इसकी एजम्पशन है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर जेड स्कोर अप्लाई होगा, जब ये नॉट नॉर्मल है तो ये अप्लाई नहीं होगा, दैट इज वाई इसकी एप्लीकेशन जो है लिमिटेड है। स्मॉल सैम्पल साइज, देखिए स्मॉल सैंपल साइज में टी स्कोर अप्लाई होता है, ये लिख लीजिए, और लार्ज पर जेड होता है, और स्मॉल साइज होने के कारण आपका जो है स्क्यूनेस बढ़ सकती है, स्क्यूनेस बढ़ती है तो जेड जो है रिलायबल आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आगे चलिए भैया, ओके, इन अप्रोप्रिएट कैटेगोरिकल वेरिएबल, देखने में डरावना लगता है ना, नॉट सूटेबल फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल, शुरू में एग्जाम्पल दी थी, यहाँ पर चले जाते हैं ब्लैक इसको करके, ऐसे करके कैटेगोरिकल वेरिएबल की एग्जाम्पल मैंने क्या दी थी, जेंडर है फॉर एग्जाम्पल, इसको और बड़ा करते हैं ऐसे, जेंडर है, ओके, जेंडर कैटेगोरिकल वेरिएबल है, जेंडर की कैटेगरी क्या है, एक तो है मेल है ना, दूसरा है फीमेल, तो जो जेड स्कोर है वो ना तो कैटेगोरिकल वेरिएबल जैसे कि मेल फीमेल है, और ना ही दूसरा, यहाँ कलर बदल के लिख देता हूँ, रैंक ऑर्डर की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन है, रैंक ऑर्डर की में जो स्कोर अवेलेबल है ना, इस स्केल पर है, ये स्केल लिखना है, ये स्केल है SCLA, शुरू में बताया था, ये इसको कहते हैं नॉमिनल स्केल, अगर याद रखना है नॉमिनल, अगर नहीं है तो कैटेगोरिकल, और ये रहा ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पर जो जेड स्कोर अप्लाई नहीं होता, ये यहाँ पर कहा गया है, ऑर्डिनल भी लिखा है ना, ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। तो ये थी लिमिटेशंस, लिमिटेशंस को हमने मेमोरी ट्रिक के साथ याद कैसे रखना है, ये प्रॉपर्टीज की हैं, आगे चलते हैं, यहाँ पर याद कैसे रखना है वो देख लेते हैं। हाँ, इसको याद रखने के लिए आपने जेड स्कोर की लिमिटेशन है ना, जेड स्कोर और इसकी लिमिटेशन, डिसएडवांटेज और डीमेरिटेज, तो पहले वॉवल मैंने लिख लिए ए ई आई ओ यू, इतना याद रखना है, ए अजम्पशन नॉर्मलिटी की अजम्पशन है, ई एक्सट्रीम वैल्यू के लिए ये सेंसिटिव है, गड़बड़ हो जाती है, आई इनअप्रोप्रिएट है कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए, ऑर्डिनल के लिए, ओ आउटलायर की प्रिसीजन नहीं है, लैक ऑफ आउटलायर प्रिसीजन, और यूनिट, यू फॉर यूनिट, ओरिजिनल यूनिट जो खो जाता है, हाइट और उसकी एग्जाम्पल दी थी, यूनिट्स के एस के साथ अब इसको जोड़ देना है, आगे चलते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, ये रहा यूनिट्स के एस के साथ जोड़ दिया हमने अगले पॉइंट को, अगले यूनिट जो बना रखे हैं वो क्या बना रखा है, ये यूनिट के एस के साथ स्कोप, सैंपल साइज एस है, और स्क्यूनेस, ये तीन ऐसी ही हैं, एस थ्री, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, आगे यूनिट्स, एस थ्री, स्कोप सैंपल साइज स्क्यूनेस,
है ना, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का अगला गाइड कर रहा है डिपेंडेंसी। दो डिपेंडेंसी वर्ड याद रखने हैं, एक कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी, दूसरा मीन और एसडी की डिपेंडेंसी। ओके, तो डिपेंडेंसी के एन को नॉन लीनियर वर्ड याद कर सकते हो, नॉन लीनियर के लास्ट में से लैक ऑफ रबस्टनेस, ये याद हो गए। कोई और टॉपिक आपको तंग कर रहा हो तो आप लिख सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।